इस मौके पर उनके साथ आईजीपी जम्मू। Thank you, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, and Chancellor of the Universities of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji. I now request Professor Parvez Ahmed, Head Department of Geography and Disaster Management, to present the vote of thanks. Professor Parvez Ahmed, please. Assalamu alaikum and good morning to all of you. It's a matter of great privilege and honor for me to present the formal vote of thanks. First of all, of the University of Kashmir for his esteemed presence at the inaugural function of this prestigious event. He has been an echo of constant encouragement and inspiration for all of us here at the University of Kashmir. We would await. तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 इजलास की ये बराह रास्त तस्वीर आप देख रहे थे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ख़ास तौर पर नौजवानों से खिताब किया है। कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। एक और अहम खबर पुंछ से है, जहाँ आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी है। इसकी वजह से SOG पुलिस फौज और CRPF के अहलकार शहर के आसपास के इलाकों, घरों, खेतों, खलिहानों की तलाशी ले रहे हैं। शहर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस शहर में नजर आने वाले मुश्तबा अफराद के हवाले से कोई मौका हाथ। पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में संदिग्ध देखे जाने के बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर जो है SOG पुलिस, CRPF और सेना जो है जो इलाके को खंगाल रही है कि जो संदिग्ध देखे गए थे वो कहाँ गए हैं और उनका पता लगाया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने संदिग्ध देखे उनका कहना है कि वो संदिग्ध हथियारों के साथ थे और उसके बाद से ही तलाशी अभियान जारी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पूरे शहर और शहर के आसपास के इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्ध बचकर ना जा सके। मुनीश शर्मा, News18 नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर के रियासी में होने वाले रैफ्टिंग एडवेंचर को मुतालिका महकमे के अफसरान के जरिए कुछ वक्त के लिए बंद रखने को कहा गया है। दो दिन पहले दरियाए चनाब में एक रैफ्ट पलटने से जो हादसा हुआ उसी की वजह से सभी रैफ्टिंग के तमाम पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट। राफ्टिंग में एडवेंचर का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की होड़ हमेशा दरियाए चनाब के निकट स्थित एडवेंचर कार्यालयों में देखी जाती थी। लेकिन दो रोज से सभी एडवेंचर कार्यालय बंद हैं, जिसके चलते यहां से रौनक गायब है। इसी कारण यहां के सभी कारोबारी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि रिवर में एडवेंचर है, बोट उलटना पलटना है, नॉर्मल चीजें, ये चीजें होते रहता है। तो गाइड की खुद की गलती है, जिस चीज में उन्होंने मतलब रेस्क्यू खुद नहीं कर पाए, वो खुद अगर बोट पे स्विम करके जाते तो रेस्क्यू करने का उनके पास टाइम था और रेस्क्यू कर सकते थे, पर जो यहाँ पे गाइड है उनको थोड़ा मतलब चेक करके भेजे, रिवर में चेक करके भेजे, उनकी यहाँ ट्रेनिंग दिया जाए। यहाँ पे बंद होने से कितना नुकसान सर? बंद होने से यहाँ पे मतलब हर कंपनी में 2 से 3 गाइड है, जो कि सब बेरोजगार हो गए इस टाइम पे। हेल्पर भी है, ड्राइवर लोग भी है, सब लोगों को मतलब बेरोजगार हो रखे इस टाइम पे। आपकी थी तो काम चल रहा था, उनका भी चल रहा था और हमारा भी चल रहा था। हमारा है क्या यही, कोई चाय वगैरह कुलचे वगैरह को खा लेता आके। अभी तो कोई गाड़ी रुकती नहीं, टूरिस्ट रुक रहा ही नहीं है। राफ्टिंग में तो क्या करेगा टूरिस्ट रुके धूप में यहाँ पे। तो कितने पॉइंट चला करते थे पहले? पहले मेरे ख्याल से 15 से 16 पॉइंट थे यहाँ पे राफ्टिंग वाले जो चल रहे थे। अब छोटा सा एक हादसा कल परसों जो हुआ है, कोई इतना बड़ा नहीं इशू नहीं है इसका, ये तो होता है। एडवेंचर में ऐसे रिस्क तो नॉर्मल बात है, होते हैं। और उसके साथ सर पूरी फैसिलिटी के साथ जाते हैं, टूरिस्ट सेफ्टी जैकेट रहती है और गाइड साथ रहता है। तो बचाया भी गया बाकायदा, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलो अब आगे पता नहीं प्रशासन क्या सोच रहा है और क्या करेगा, लेकिन खुलना चाहिए। बताया गया कि एक हादसे के बाद राफ्टिंग एडवेंचर बंद होने से सैकड़ों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सभी का रोजगार पर्यटकों के ऊपर ही निर्भर था, लेकिन पिछले 2 दिनों से सभी राफ्टिंग पॉइंट बंद हैं, जिसके चलते स्थानीय दुकानदार भी चिंतित हैं और राफ्टिंग ऑपरेटर भी। और वहाँ से बच्चों और मेरे घर वालों को इच्छा हुई कि रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं।
हम वहाँ से टैक्सी किया, इधर आए रिवर राफ्टिंग के लिए, पर यहाँ के पता चला कि बंद है। बंद क्यों है? बंद नहीं होना चाहिए। अभी जो बंद है इसीलिए कई घर बेघर हो रहे हैं, मतलब कई लोगों की रोजगारी छीन चुकी है। और हमारे स्टाफ बच्चे जो है वो रिवर राफ्टिंग के लिए आई बोला, इधर रिवर राफ्टिंग होता है, तो अभी हम रिवर राफ्टिंग के लिए आए हैं, पर अभी कुछ दिखता नहीं है। कुछ मुझे पता चला कि इधर कुछ सब बंद हो गया है। हम हमारे साथ बच्चे हमारे जो ये लोग वो भी निराश हो चुके हैं। अभी क्या चालू होना चाहिए यार, कुछ हादसा हो जाए बंद नहीं, उसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, पर बंद नहीं होना चाहिए, चालू रखना चाहिए। वहीं चिनाब की उठती लहरों के बीच राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए आए पर्यटक भी चिंतित दिखाई दिए। उनके चेहरों पर निराशा दिखी। कारोबारियों सहित पर्यटकों ने स्थानीय प्रशासन और जम्मू कश्मीर पर्यटक विभाग से गुहार लगाई है, सुरक्षा के साथ राफ्टिंग को एक बार फिर से शुरू किया जाना चाहिए। रियासी के दरिया चिनाब में चलने वाले तमाम राफ्टिंग एडवेंचर्स अभी फिलहाल के लिए बंद रखे गए हैं। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा ये आर्डर जो है वो निकाला गया है। अब तमाम जो राफ्टिंग एडवेंचर्स यहाँ पर दरिया चिनाब में हुआ करते थे वो फिलहाल बंद हो चुके हैं। इन पॉइंट्स के बाहर जो है वो वीरानगी देखी जा रही है। इससे पहले यहाँ पर खासी रौनक होती थी, हजारों पर्यटक यहाँ पर रुका करते थे और यहाँ पर लोग रोजगार भी कमाया करते थे, लेकिन अब जो है वो सुनसानी हर एक पॉइंट्स के बाहर जो है वो जरूर देखी जा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।